हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज मैं आप लोगों को माता मनसा देवी की दर्शन कराती हूँ। ये है माता मनसा देवी, शक्ति पीठों में से एक है। 51 शक्ति पीठ जानते हैं, माना जाता है कि आज मैं आपको माता की बिल्कुल साक्षात लाइव दर्शन करवाने वाली हूँ। तो माता के दर्शन करने के लिए आप ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप माता के दर्शन मिस कर जाएंगे। ये है 43 बस स्टैंड, यहाँ से मनसा देवी के लिए 203 नंबर और 206 नंबर बस मिल जाती है। ये स्टेशन होते हुए मनसा देवी तक जाती है और फिर मनसा देवी से भी बहुत अच्छी फ्लुएंसी है 43 के लिए। बस हर 10 मिनट में बस मिल जाती है रिटर्निंग के लिए भी। देखिए कितने श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, बहुत रश होती है। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये नवरात्रों में तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती है, बहुत ही लंबी लाइन लगती है दर्शन के लिए। चलिए तब दर्शन करने चलते हैं। ये है मंदिर की मेन द्वार जहाँ से इंटर करते हैं हम। मास्क लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे रश बहुत है, कोरोना काल में विदाउट मास्क जाना मना है। देखिए यहाँ से ही लाइन स्टार्ट हो गई है। आज तो बहुत ही ज़्यादा रश है, ये देखिए ऐसे रेलिंग बनी हुई है लाइन के लिए पूरी सर्पाकार में। सारे श्रद्धालु चले जा रहे हैं। रास्ते में भी माता की 9 रूपों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जय माता दी। बस आने वाली है मंदिर की द्वार। ये सर्पाकार रास्ते अब समाप्त हुई, अब सीढ़ियों वाली रास्ते स्टार्ट हो जाएगी। ये भी बहुत चलनी पड़ेगी, अभी ऐसे तो ज़्यादा दूर नहीं है बट रश की वजह से वो थोड़ा टाइम तो लगेगा। बहुत लंबी लाइन है, लाइन तो अभी बहुत लंबी है। देखिए बहुत सारी सीढ़ियों के रास्ते, प्रशासन व्यवस्था भी है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। जो श्रद्धालु यात्रीगण थक जाते हैं तो सीढ़ियों के साइड में ऐसे बैठने की जगह भी बनी हुई है, बैठकर वो थोड़ी सांस ले सकते हैं। जय माता दी। देखिए ऑनलाइन दर्शन कीजिए, जगह जगह पे ऐसी स्क्रीन लगी हुई है, डिजिटल स्क्रीन। और ये आ रही है मेन द्वार, बहुत ही भव्य द्वार है, भव्य माता की, भव्य महल की, भव्य द्वार। देखिए मंदिर के प्रांगण में भी बहुत सी देवी देवतियों, देवी देवताओं के मंदिर हैं। यज्ञ स्थल, पूजा स्थल, साधना स्थल, सारे अलग अलग बने हुए हैं ऐसे मंदिर के प्रांगण में। ये मंदिर जो है पटियाला के राजा के द्वारा बनाई गई थी, इस वजह से जो ये मंदिर माता की भवन है पूरे एकदम, ये जो मंदिर के आसपास में दोनों साइड में जो भवन बनी है माता की, सारे किले की स्वरूप में बनी हुई है। ये देखिए भवन की मेन द्वार के भव्य गेट, चांदी की गेट बनी हुई है दोनों साइड में, और गेट के दोनों साइड में माता की सवारी शेर की प्रतिमा बनी हुई है। मंदिर में बड़ी सी कलश रखी हुई है माता की, इस गेट से उनके कलश की दर्शन की जाती है। ये जो मेन माता की मंदिर है गर्भगृह, ये हैं इनके ही अंदर माता विराजमान है। इंतजार के बाद माता के दर्शन हुई। जय माता दी।
माता जी, ये माता के दर्शन कीजिए आप। चलो जी चलो, जय माता दी, जय माता दी। चलो जी चलो, जय माता दी, जय माता दी। जय जय मैया, सबकी बिगड़ी बनाने वाली। आपने दर्शन कर ली माता की, साक्षात माता मनसा देवी की। अब मंदिर के प्रांगण में ही चारों कोनों में सभी देवी देवताओं के छोटी छोटी मंदिर बनाई हुई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ माता विराजमान हुई हैं शक्तिपीठ के रूप में, वहाँ वहाँ शिव जी भी किसी न किसी रूप में विराजमान है। तो ये है शिव जी की मंदिर, प्राचीन शिव जी की मंदिर। अभी मैं इनकी भी दर्शन कराती हूँ आपको। और इसी प्रांगण में ये देखिए, एक ये है पीपल की वृक्ष, बहुत ही पुराने हैं। इस पीपल के वृक्ष में सभी जिसकी जो भी कामना होती है तो चुन्नी बांधते हैं इसमें, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। पता नहीं क्यों ये अभी शिव जी की मंदिर की दरवाजा बंद की हुई है। मना मतलब जाना मना है यहाँ पे, तो दूर से ही दर्शन कर लेते हैं। जय भोलेनाथ। हनुमान मंदिर जी हैं, हमने देखा। ये है माता की प्राकृतिक मंदिर, जो प्राकृतिक पिंडी जहाँ पे उपस्थित हुए थे। और अब हम चलते हैं पटियाला राज की बनाई हुई एक मंदिर, जो उन्होंने अपने उनकी मनोकामना पूर्ण होने पे उन्होंने अपने द्वारा बनवाई थी एक मंदिर, वहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये है पूजा भवन। जिस जब किसी को कोई ख़ास पूजा करवाना हो माता की, माता चंडी की, तो यहाँ पे हम रुक के पूजा करवा सकते हैं। और ये है यज्ञशाला। किसी को जब यज्ञ कराना होता है तो यहाँ पे बुकिंग करवा के पंडितों द्वारा इस यज्ञशाला में यज्ञ करवाते हैं। ये लीजिए, हम आ गए पटियाला मंदिर। क्योंकि ये मंदिर जो है पटियाला राज ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम है पटियाला मंदिर। बहुत ही भव्य मंदिर है। उनकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई थी तो उन्होंने बहुत ही खुश होकर के ये मंदिर माता की बनवाई थी। बहुत ही बड़ी प्रांगण है इस मंदिर की, बहुत ही क्लीन, साफ सफाई की पूरी ध्यान रखी गई है। बहुत ही बड़े एरिया में इस मंदिर को कवर किया गया है। यहाँ पर भी हर कोने में अन्य देवी देवता की छोटी छोटी मंदिर बनाई हुई है चारों कोने में। ये देखिए, एक जय माता दी। माता की वाहन शेर की सवारी। जय माता दी। जय माता दी। दर्शन हो गई अब बहुत अच्छे से, माता की कृपा थी। अभी दर्शन करने के बाद प्रांगण में सभी श्रद्धालु थोड़ी देर बैठते हैं। ये गणपति महाराज की मंदिर। और प्रांगण में बहुत सारे आम के, अशोक के और बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो सभी श्रद्धालु जन पेड़ के नीचे भी बैठते हैं थोड़े आराम करने के लिए, रेस्ट लेते हैं। और ये देखिए, जो मेन बरगद की बड़ी वाली पेड़ है, उसके बाद सभी भंडारा गृह की तरफ प्रस्थान करते हैं भंडारे के लिए। माता की ये भी प्रसाद है, इसलिए भंडारा भी करना चाहिए। जय शिव, जय भोलेनाथ।
ये भोलेनाथ की मंदिर। देखिए सभी अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, मन्नतों के लिए चुन्नियाँ बांध रहे हैं और धागे बांधते हैं इस पेड़ पे। माता उनकी ऐसी मान्यता है कि माता उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। बहुत ही विशाल बरगद की पेड़ है ये। ये है लंगर हॉल। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी बड़े श्रद्धा भाव से भंडारा छकते हैं प्रसाद समझकर। और यहाँ की ये कृपा है कि देखिए कभी भी यहाँ की भंडारे कम नहीं पड़ती। आज तो लंगर के लिए भी बहुत भीड़ है। भंडारे हॉल के सामने भी देखिए लाइन कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, फिर भी बड़े ही श्रद्धा भाव से सभी श्रद्धालु अपनी बारी की इंतजार कर रहे हैं। देखिए श्रद्धालुगण अपने साथ भंडारा खाने के लिए लड्डू गोपाल को भी लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी बात है ना। देखिए कितने प्रेम से भंडारा खा रहे हैं सभी। आज के भंडारे की मेन्यू है कढ़ी चावल सब्जी और पूड़ी भी है और चपाती भी है। और इस भंडारे गृह में सभी अपनी सेवा भी देते हैं। कहा जाता है कि ऊंच नीच की कोई भेदभाव नहीं है, सभी बराबर हैं यहाँ पर। जय माता दी। ऐसे यहाँ पे कढ़ी चावल ही मेन डिश होती है, बट जैसे आप अभी देख रहे हैं ना रोज लोगों की, ऐसे ही सुबह से शाम तक भंडारा चलती ही रहती है। पता नहीं कितने ही लोगों की भूख मिटाती है ये चैरिटेबल कमेटी। महामारी मनसा देवी चैरिटेबल कमेटी के रोड से यहाँ पे भंडारा की जाती है। और यहाँ पर आज रक्तदान शिविर भी लगी हुई है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग बहुत ही शौक से रक्तदान करते हैं। यहाँ पर आने के लिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, कहीं बाहर से आना हो तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर आएँ। और रेलवे स्टेशन पे भी 10-10 मिनट पे बस उपलब्ध है मनसा देवी आने के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एयरपोर्ट से भी अगर जो आते हैं एयर से भी, तो एयरपोर्ट से भी व्यवस्था है यहाँ तक आने के लिए। और यहाँ पर रहने के लिए धर्मशाला की भी व्यवस्था है। बाकी तो होटल है ही बहुत सारे चंडीगढ़ और मोहाली में, आप जहाँ भी रह सकते हैं। और पूरी चंडीगढ़ भर घूमने के लायक जगह है तो आप भी देख सकते हैं। और हाँ, पूजा गृह और यज्ञ भवन के पीछे बहुत ही खाली एरिया है, बिल्कुल पार्क के तरह बना हुआ है। इसमें काफ़ी लोग अपने टाइम स्पेंड करते हैं। ये देखिए बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। माना जाता है कि जब सती अपनी आत्मदाह की थी तो शिव जी जब उनके शरीर को उठा के तांडव करने लगे थे, तो विष्णु भगवान सर्वनाश होने के डर से उनके अंगों को अपने चक्र से बहुत ही भागों में विभाजित कर दिया था। तो उनके अंग उनके चक्र से कट कर जहाँ जहाँ गिरे माता सती के अंग, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गई। और बाबा भोलेनाथ भी जहाँ जहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुई वहाँ किसी न किसी रूप में स्थित हो गए। तो माना जाता है कि पूरे 51 शक्तिपीठ है, तो उनमें से ही ये जो माता मनसा देवी है, मनी माजरा में स्थित मनसा देवी मंदिर, उनमें से ही एक शक्तिपीठ है जहाँ माता की ब्रेन मस्तक गिरी थी। इसलिए यहाँ पे कोई भी कामना मांगने से पूरी मतलब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसी मान्यता है। ये पंचकुला सेक्टर 4 के मार्केट एरिया है। मंदिर के पास पूजा की सारी सामग्री और सुहागनों के सुहाग की सारी आइटम्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं। और माता की चुन्निया वगैरह, श्रृंगार के सामान, बच्चों की टॉयस, दर्शन करने आते हैं, पूजा के बाद भंडारा करते हैं श्रद्धालु जन, और उसके बाद थोड़ी शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे मार्केट एक मेले की तरह सजी रहती है। इसमें बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगाए जाते हैं। ऐसे तो ये मंदिर परिसर बहुत ही बड़ी है, लंबी चौड़ी और खूबसूरत है।
बट आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।